नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनरल साइंस का पार्ट 5। तो मैं इस पे डेली पहले 10 क्वेश्चन कराया करता था, आज मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो इसमें आप कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए कि मेरे आंसर कितने राइट रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर रहा 1। तो कौन से मुग़ल राजा बादशाह गाजी की खिताब के साथ सिंहासन पर बैठे? तो इसमें हमारे जहांगीर राइट हो जाएगा। जहांगीर थे, इन्होंने बादशाह गाजी के खिताब पर सिंहासन बैठे थे। तो क्वेश्चन नंबर अगला इसको कहते हैं, धार्मिक लोक नृत्य करगम किस राज्य के साथ जुड़ा है? तो ये हमारा लोक नृत्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये करगम है, जो ये हमारा तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 इसको कहते हैं, किसी हितबद्ध गुट का सबसे महत्वपूर्ण क्या कार्य क्या होता है, जिसे जाट आंदोलन था? तो इसमें अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन करना। तो इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 4। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो इसमें हमारे 4 निलय होते हैं। तो आंसर बी राइट हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में क्या उचित होता है? तो इसमें हमारा प्रोटॉनों का वेग कम करता है, बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, उसको हम जनित्र कहते हैं। इसमें सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो ये हमारी भूमिगत तना से प्राप्त की जाती है। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, स्तनधारियों में भ्रूण माँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो अपरास करते हैं। अपरा का इंग्लिश में हम प्लासेंटा बोलते हैं, तथा इसको हिंदी में और अपरा या गर्भ भी बोलते हैं। तो अपरा भ्रूण का ऑक्सीजन और भोजन की आपूर्ति करता है, इसी को बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता, उन लैंपों में निम्नलिखित में से कौन सा गैस उपयोग किया जाता? तो इसमें हमारा सोडियम उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला डिस्कस कर लेते हैं, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो, इसमें आंसर ए राइट हो जाएगा, जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम प्रतिरोध देते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के किस भाग से होता है? तो ये हमारा नाभिक से होता है, डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक फर्म जो मूल्य विभेद करती है, वह किसी उत्पाद के लिए अलग अलग बाजारों में विभिन्न मूल्य लेना? तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होती है? उसे हम डिफिसिट बजटिंग बोलते हैं, घाटा बजट। इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की किसकी गारंटी नहीं देता? तो ये समानता का अधिकार तो देता ही है, 14 से 18 तक, धार्मिक आज़ादी, तो इसमें राइट टू फ्रीडम हमारा आर्टिकल नंबर 19 में बताया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया, जबकि राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल ये नहीं कहा गया। शिक्षा का अधिकार तो दिया गया लेकिन सभी लोगों को फ्री एजुकेशन नहीं दिया गया। तो इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लेते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक में से किसकी प्राप्तियों का व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं? तो केंद्र सरकार की तो करते ही करते हैं, और ये हमारे इस राज्य सरकार की भी करते हैं और सरकारी कंपनियों की भी करते हैं, लेकिन लोकल बॉडी जो मतलब स्थानीय निकाय जो होता है इसकी नहीं करते हैं। तो आंसर बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, निजता का अधिकार किसके अधीन है? ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा आता है, इतना मतलब आप कह भी नहीं सकते, पेपरों में इतने टाइम आया है। चलिए इसका निजता का अधिकार जो बताया गया है ये आर्टिकल नंबर 21 में बताया गया है, तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी इसी में आर्टिकल नंबर 21 में ही है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता? तो इसमें हमारा प्रधानमंत्री तो बिल्कुल होते हैं, प्रधानमंत्री के सदस्य भी हो गए, राज्य के मुख्यमंत्री भी हो गए, लेकिन इसमें भारत के राष्ट्रपति नहीं होते हैं। तो इसका आंसर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, नौकरशाही के सिद्धांत किस संस्थापक जनक कौन थे? तो ये मैक्स वेबर थे। इसका आंसर
बी वाला राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 19, ये हमारा वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला, लेकिन वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग 32 किलोमीटर पाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव द्वारा आकर्षित होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक थैंक्स।